असला नाजरीन मैं हूँ डॉक्टर सार चावला राइट एट योर सर्विस इस वक्त लेडीज़ की सर्विस पे बिकॉज मुझे बहुत अरसे से इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा था कि डॉक्टर साहब मीनोपोज की डाइट और ये बताएं कि क्या डाइट इसमें हेल्प करती है इसकी कोई न्यूट्रिशनल सपोर्ट है इसके आपके पास सप्लीमेंट्स क्या होने चाहिए तो मैंने अपनी वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं और वैसे तो इस पर बहुत डिटेल में बात हो सकती है हम और डिटेल में भी करेंगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में जो आपको लेनी चाहिए थोड़ा बहुत सप्लीमेंट्स और दूसरी वीडियो में भी हम सप्लीमेंट्स और लाइफ चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके मीनोपॉज की जर्नी को आसान करते हैं नॉर्मली हमारे पास लोग एक ही लव से फेमिलियर हैं जिसको आप कहते हैं मैं आपको बताती इज़ अ स्टेज कॉल्ड पेरी मीनोपॉज एंड देन देर इज अ स्टेज कॉल्ड कॉल्डॉस पेरी मीनोपॉज आपके पास वो स्टेज है जब एक औरत के जिसम की बॉडी की ट्रांजिशन हो रही होती है उसकी जिंदगी के रिप्रोडक्टिव फेज से यानी जिस फेज में वो मां बन सकती है वो फर्टाइल होती है उस फेज़ में जब उसकी रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म होता है यानी जब उसके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं मेंस्ट्रुएशन माहवारी ख़त्म हो जाती है और उसकी ओवरीज जो है वो एग्स और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन ये बनाना छोड़ देती हैं ऑफिशियली मीनोपॉज तब स्टार्ट होता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपकी मीनोपॉज की पेरी मीनोपॉज पे स्टार्ट हो जानी चाहिए जिस वक्त आपकी बॉडी की ट्रांजिशन स्टार्ट हो गई है टुवर्ड्स मीनोपॉज सबसे पहले सवाल आपके जहन में बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा होगा जिनको इतना मेडिकल नॉलेज नहीं है कि क्यों भाई मीनोपॉज uh, हो रहा है तो तभी क्यों इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन चेंज होनी चाहिए वाई कांट वी गो लाइक ऑलवेज वी यूज टू डू उसकी रीज़न आपके पास ये है कि आपकी बॉडी को एक एम्पल अमाउंट प्रोटीन चाहिए उस चेंजेस को फैसिलिटेट करने के लिए उन चेंजेस को हेल्प करने के लिए जो मीनोपॉज के दौरान आपकी बॉडी में हो रही हैं एजिंग की वजह से आपके में न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी कम हो रहे हैं एजिंग का स्ट्रेस न्यूट्रिएंट्स को ऑलरेडी कम करता है मीनोपॉज की चेंजेस के लिए हमें मजीद न्यूट्रंस चाहिए इतना प्रेशर आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती जब तक आप अपना बेहतरीन ख्याल नहीं रखेंगी और इस ख्याल में आपके पास डाइट स्टाइल चेंजेस भी आ जाती हैं इस ख्याल में आपके पास लाइफ स्टाइल चेंजेस भी आ जाती हैं इस वीडियो में हम डाइट चेंजेस की बात करेंगे और एक और बात क्योंकि मीनोफॉस में आपके पास एस्ट्रोजन लेवल्स ख़त्म हो जाते हैं और ये एस्ट्रोजन आपको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहा था कोलेस्ट्रॉल लेवल बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बिल्टअप होने से आपको दिल की बीमारियों से प्रोटेक्ट कर रहा था आपको एक्स्ट्रा वेट गेन से प्रोटेक्ट कर रहा था आपके ब्लड शुगर लेवल की रेगुलेशन रख रहा था तो अब खतरा हो सकता है हड्डियों को भी मजबूत रख रहा था बोन मिनरल डेंसिटी के लॉस का स में अगर आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं तो ये अपने साथ डायबिटीज ओबेसिटी हार्ट डिजीज ऑस्टिप्रोसिस और बहुत सारी चेंजेस जो है वो ब्रिंगअप करता है मीनोपर्स की जो रिवायती सिम्टम्स होते हैं हॉट फ्लैश होते हैं स्वेटिंग होती है टेकाई कार्डिया पल्पिटेशन दिल की धड़कन का बढ़ जाना आपके पास मूड इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है हेडेक होता है डिप्रेशन होता है एंड वट नॉट इस पीरियड से ये एक लंबा पीरियड है एक से दो कुछ लोगों में ढाई से तीन साल का भी जो चालीस साल की उम्र के बाद कभी भी आ सकता है फोर्टी अप टू फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन ईयर्स ऑफ एज इससे तो आपने गुजरना है लेकिन अगर आप अच्छी खुराक लेती हैं वीडियो का मकसद यही है राइट फूड लेती हैं तो आप इन चेंजेस को ईज कर सकती हैं मैं ग्रुप्स ऑफ फूड के हिसाब से बात करूँगी जो आपको लेने चाहिए तो अगर आप पेरी में एंटर हो गई हैं या अगर नहीं भी एंटर हुई और आप फोटी की एज हिट कर दिया है तो सबसे पहले अपनी डाइट में जिस चीज़ को आपको इंक्लूड करने जरूरत है वो है फाइटो एस्ट्रोजेंस फाइटो एस्ट्रोजेंस आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से वो प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजेंस हैं जो कि हमारे जिसम में एस्ट्रोजन हार्मोन के एक्शन को मिमिक करते हैं उसकी नकल उतारते हैं हमारे जिसम में जाके एस्ट्रोजन रिसेप्टर पर अटैच हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा वही असर दिखाते हैं जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर आपके पास दिखाता है ये याद रहे कि इन प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजेंस को जब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो जो ये चेंजेस हैं वो एक दो तीन दिन दस दिन या पंद्रह दिन में नहीं आ जाएंगे ये बात मैं अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस हैं एटलीस्ट यू हैव टू वेट फॉर थ्री मंथ्स बिफोर ये चेंजेस आपके पास अपेयर होना स्टार्ट हों और आपको इन खानों को जिनमें फाइटो स्टूडेंट है डेली अपनी रूटीन में इंक्लूड करना है दो से तीन बार आपने इसका डेली इस्तेमाल करना है फॉर एवरी डे अब इसमें हमारे पास आता क्या है सबसे पहले सॉय प्रोडक्ट्स आते हैं वो खातन जिनको पेरीमिनोपॉज और मीनोपॉज के दौरान ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आ रहे हैं वो आपके पास सॉय प्रोडक्ट्स में मिल्क चीज या टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन के इस्तेमाल की जगह बाकी सॉय मिल्क वगैरह यूज कर सकती हैं अगर फर्मेंटेड सोए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वो आपके पास ज़्यादा बेटर हैं और वो जिसम में सोए जो कि आपके पास फ़ाइटोस्ट्रोजेंट है उसकी मिकदार को ज़्यादा अवेलेबल करते हैं और इसके अलावा आपके पास फाइटोस्ट्रोजेंट्स में आ जाता है अनार आपके पास फाइटोस्ट्रोजेंट्स में आ जाता है कॉलीफ्लावर और आपके पास फाइटो में आ जाते हैं लेटस और ब्रोकली इनका अगर आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फाइटो भी देते हैं साथ में आपको दो और ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं जिसका मैं आगे जिक्र करूंगी जो आपको मेनोपॉज में बहुत बहुत ज़रूरी है दूसरा जिस चीज का मैं जिक्र करने वाली हूं फाइटोएस्ट्रोजेन्स में वो आपके पास आ जाते हैं फ्लैक्स सीड्स फ्लैक सीड्स एंड सबसे ऊपर फ्लैक् सीड्स उसके बाद आपके पास सनफ्लावर सीड्स सेसमी सीड्स और पम्पिन सीड्स याद रहे कि अगर सीड्स से आपने हार्मोनल बेनिफिट लेना है मीनोपॉज के दौरान तो उनको आपने फ़्रेश यूज़ नहीं करना उनको आपने मैक्सिमम ग्राइंड करके यूज़ करना है अपने डिफरेंट सीड्स के अलग अलग सेशेज जो हैं वो ख़रीद लें और उन सेशज़ को आप आपस में मिक्स करके एक अच्छा सा मिक्सचर बना सकती हैं इसको अपने स्मूदीज़ में यूज़ करें सेलड्स में यूज़ करें इसको अपने सूप्स में यूज़ करें इसके अलावा आपने जिस ग्रुप ऑफ फूड का ख्याल रखना है वो आ जाते हैं आपके पास ओमेगा थ्रीज ओमेगा थ्री आपके पास वो असेंशल फैटी एसिड हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती और हमने बाहर से लेने हैं ये आपके आई स्किन और जॉइंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इस वक्त आपके जॉइंट्स को ताकत की बहुत ज़रूरत है ये ओमेगा थ्री थ्रीज में आप सीट से भी ले सकती हैं आप नट्स से भी ले सकती हैं नट्स में बहुत ज़्यादा कैलरीज होती हैं तो आपने बिल्कुल उस पर बिंज करना नहीं शुरू कर देना अ हैंडफुल ऑफ नट्स डेली जो है इट इज़ एनफ उसके अलावा ये आपके पास फैटी फिश में होता है कोशिश करें हफ्ते में तीन बार आप डिनर में ऑयली फ़िश लें आप फैटी फ़िश लें ऑयली फ़िश का मतलब नहीं कि वो तेल में फ्राई हुई हो देर अ कैटेगरी ऑफ फ़िश जिसको आप फैटी फ़िश कहते हैं सैलमिन मैक्रेल ट्यूना ब्लैक कॉड रेनबो ट्राउट जिसमें आपके पास जो ओमेगा थ्री लेवल्स होते हैं वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी मूड रेगुलेशन हो आपका मूड कंट्रोल रहे तो आपकी ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं आप कोशिश करें कि आप ग्रेन्स लें जवार बाजरा जौ ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छे हैं वीट अगर अब आपको प्रॉब्लम कर रही है ब्लोटिंग कर रही है वरना होल वीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वीट का इस्तेमाल आप छोड़ दें आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि उसको ज़रूरत नहीं है फ्रूट्स में हाई फाइबर आपके पास सेब आ जाता है कीवी आ जाता है स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं गवा आ जाता है पपीता आ जाता है ये सब बेहतरीन है इस्तेमाल में फ्रूट्स पर भी जरूरत से ज्यादा बिंच नहीं करना क्योंकि एक्स्ट्रा फ्रुक्टोज़ कॉन्टेंट भी आपको इंसुलिन स्पाइक्स दे सकता है ब्लड शुगर लेवल डिस्टेबलाइजेशन कर सकता है और ये आपका मूड भी खराब कर सकता है फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल जो है वो आप मत कीजिएगा क्योंकि वो टू मच ऑफ शुगर कॉन्टेंट हो जाएगा आपकी बॉडी में टू हैंडल नेक्स्ट चीज़ जिसकी मैं बात करना चाह रही हूँ वो है आपके पास प्रोटीन जिस वक्त आपकी बॉडी मीनोपॉज से जा रही होती है उसको एक एम्पल और अच्छी प्रोटीन सपोर्ट की ज़रूरत होती है और याद रखें कि अगर आप मीनोपॉस से जा रहे हैं और आपके बाल आपके नाखून और आपकी स्किन ख़राब हो रही है तो इसका मतलब है कि आप प्रोटीन ठीक तरह नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो आपकी बॉडी होती है वो बाल स्किन और नाखून की प्रोटीन को इतना सीरियसली नहीं लेती तो जब उसको प्रोटीन की कमी होती है वो सबसे पहले इसकी तरफ से सप्लाई खींच लेती है और ये जो है थोड़ी सी डैमेज होना शुरू हो जाती है मेरा फेवरेट सोर्स ऑफ प्रोटीन पर्सनली तो एग्स है बिकॉज उसमें सारे असेंशल एसिड्स होते हैं फ़िश लें मीट लें पोल्ट्री लें डेरी लें ये सब आपके पास प्रोटीन रिच है जो लोग वेजिटेरियन हैं वो एम्पल अमाउंट ऑफ सीड्स लें नट्स लें दालें लें होल ग्रेन्स लें तो ये आपकी प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकता है और डेयरी का इस्तेमाल वो लोग जरूर करें अदर दैन डैट नेक्स्ट ग्रुप ऑफ आइटम जो आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम हमें पता है हमारी हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी है नर्व मसल कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी है और मैग्नीशियम वो बस है जो कि के कैल्शियम को हड्डियों में लेके आती है नेचर इज़ ब्यूटिफुल जो जो खाने मोस्टली कैल्शियम रिच होते हैं वो मैगनीशियम रिच होते हैं जब हम कैल्शियम रिच खानों की बात करते हैं मोस्टली हम ये इमेजिन करते हैं कि हम डेरी की बात करें जो लोग डेरी इंटॉलरेंट हैं डेरी में तो कैल्शियम है ही है डेरी सेलेक्ट करना है आपने मीनोपॉज में तो लो फैट नहीं फुल सेलेक्ट करें उसका फायदा आपको ज्यादा होगा और जो लोग डेरी टॉलरेंट हैं वो दालों से वो नट से वो सीड से वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से अपनी कैल्शियम और मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट जो है वो बेहतरीन तरीके से पूरी कर सकते हैं वाइटामिन डी आपको बहुत जरूरत है सनलाइट एक्सपोजर दिन में पच्चीस से तीस मिनट लें अगर सनलाइट एक्सपोजर नहीं लेते हैं या ऐसे इलाके में हैं जहां सनलाइट नहीं है तो कोशिश करें कि आप अंडे की जर्बियां खाएं आप फैटी फिश खाएँ आप कोशिश करें आप हफ्ते में दो से तीन बार जो है वह ऑर्गेन मीट खाएं और आप कोशिश करें कि आप एक टेबल स्पून कॉर्ड लिवर ऑयल फोर फोर्टी एम हंड्रेड परसेंट जो है उसको डेली इस्तेमाल करें वाइटामिन डी को अपने असर के लिए वाइटामिन के भी चाहिए होता है तो और वाइटामिन के आपकी बोन्स की मिनरलाइजेशन में भी हेल्प करता है इसके साथ साथ आपकी जो आर्टरीज जो वेसल्स होती हैं उससे एक्स्ट्रा कैल्शियम को भी रिमूव करता है ताकि उसमें कैल्शियम जमा होकर कोई दिल की बीमारी या कोई और प्रॉब्लम ना आपके पास कर दे वाइटामिन के आपको बेहतरीन जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल सकता है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें नेक्स्ट जिस ग्रुप ऑफ फ़ूड की मैं बात करने लगी हूँ दैट इज़ द बी वाइटामिन आपकी इम्यूनिटी से लेकर आपके रेड ब्लड सेल्स तक आपके नर्व फंक्शन से लेकर आपके खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने तक बी वाइटामिन हर चीज़ में रोल प्ले करते हैं एंड दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहे आप डेयरी की बात करें पोल्ट्री की बात करें आप ग्रेन की बात करें आपने अपनी सर्विंग्स जो हैं उनको बैलेंस रखना है जब हम डूस की बात करते हैं तो हमें डोंट्स की बात भी करनी है आपने बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड्स इस्तेमाल नहीं करने हैं बहुत ज्यादा रिफाइंड खाने इस्तेमाल नहीं करने हैं स्पाइसी फूड्स बॉडी के पीएच को एसिडिक बनाते हैं और आपकी हड्डियों में से कैल्शियम लीच करना शुरू कर देते हैं अगर आप वाइट फ्लावर लेंगे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे बिस्किट्स लेंगे और जंक फूड लेंगे वो आपके ब्लड शुगर को स्टेबलाइज नहीं होने देंगे और आपको मूड डिस्टेबिलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा साथ ही बहुत जल्दी कम खाने से भी आप नोट करेंगे कि आपको वेट गेन जो है वो स्टार्ट हो गया है बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना आपने नहीं लेना क्योंकि वो आपको डिहाइड्रेट करता है और डिहाइड्रेशन से बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं वो वो होते हैं मीनापॉज में खास करके आपको एम्पल हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है इसके साथ साथ आपने कैफ़ीन इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं करना और कैफ़ीन आपके पास सिर्फ कॉफ़ी या चाय में नहीं बल्कि एनर्जी और फिजी ड्रिंक्स में भी मौजूद होता है या आपके इंसुलिन को अननेसेसरी स्पाइक दे सकता है और रात के टाइम जो आपको हॉट फ्लैश पेल्पिटेशन और टेकिकार्डिया होता है इसको भी ये एग्रीवेट कर सकता है तो कोशिश करें कि दिन में एक से दो चाय के कप पिए और रात की तरफ तो आप चाय के कप बिल्कुल भी ना पिए बहुत छोटी सी और बहुत इजी सी समरी थी आपको बताने के लिए कि आपके मेन डूज और मेन डोंट्स क्या होने चाहिए मीनोपॉज में जिससे आप अपनी बॉडी की हेल्थ बहुत बेटर कर सकते हैं मेरा फेवरेट रिकमेंड किया हुआ नाश्ता मैं आपको जरूर बताऊँगी अगर आप रोज़ नाश्ते में ओट लेते लेते हैं ओट लेते हैं और उसको आप ऑलमंड मिल्क में बनाते हैं उसमें साथ आप डालते हैं बादाम और उसमें साथ आप डालते हैं एक टीस्पून ऑफ़ सीड्स तो खाली ये मील आपको दिन में फोर हंड्रेड टू एट हंड्रेड ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड कर सकती है बहुत पावर पैक मील है और जो तेल इस्तेमाल करना है आपने वो या आपने बिल्कुल अनरिफाइंड पीनट ऑयल या ओलिव ऑयल या देसी घी या फिर कोकोनाइट ऑयल इस्तेमाल करना है अब इन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मेनोपॉज़ से रिलेटेड लाइफ चेंजेस के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे इजाजत दें अल्लाह हाफिज़